नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन जबरदस्त उछाल, निफ्टी 17,000 के ऊपर हुआ बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को दी 2100 करोड़ की सौगात। आरबीआई ने वन मोबीविक और स्पाइस मनी पर लगाया जुर्माना, नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरियंट से जंग की तैयारी पर बोले केजरीवाल, दिल्ली में संक्रमितों को घर तक पहुंचाएंगे दवा। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की विराट कोहली को नसीहत, 2 साल से शतक नहीं बनाया, विवादों के बजाय बल्लेबाजी पर ध्यान दें। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में बढ़ा संकट, एक साथ मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 मामले। चुनाव परिणाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने दिया बड़ा बयान, बोले सत्ता का खुलकर किया गया दुरुपयोग। प्रभास की फिल्म राधेश्याम का ट्रेलर आज होगा रिलीज, ग्रैंड इवेंट के लिए चल रही धमाकेदार तैयारी। श्रेया सरन और सरमन जोशी की फिल्म म्यूजिक स्कूल का दूसरा शेड्यूल हुआ पूरा। लुधियाना कोर्ट में बड़ा धमाका, 2 की मौत, 5 घायल, मचा भगदड़। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, करोड़ों के ठगी करने वाले चीट फंड कंपनी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में बड़ा अस्पताल खोलने की तैयारी में एक्टर सोनू सूद, मुफ्त में होगा इलाज। 2 डिप्टी कलेक्टरों को मिली नई जिम्मेदारी, बालोद के ज्वाइंट कलेक्टर को बनाया गया संवाद के महाप्रबंधक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहे राज्य, नए मामलों पर रखे नजर, केंद्र सरकार ने दिया आदेश। 83 की स्पेशल स्क्रीनिंग पर आलिया ने ब्लैक आउटफिट में बिखेरा जलवा। चिप शॉर्टेज से ऑटोमोबाइल सेक्टर को 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका, रिकवरी का संकट गहराया। नक्सलियों ने गिट्टी तोड़ने के प्लांट शुरू होने से पहले ही 3 वाहनों और मशीनों को किया आग के हवाले, काम बंद करने की दी धमकी। चीन में भी बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, विंटर ओलंपिक खेलों से पहले सियान प्रांत में लॉकडाउन के आदेश। बीएसएफ ने तस्करों के मंसूबों को किया नाकाम, 2.5 करोड़ रुपए मूल्य की 1.2 किलोग्राम हीरोइन जब। सलमान खान ने फिल्म मेकर्स को दी चेतावनी, कहा आरआरआर की रिलीज के बाद पोस्टपोन कर दो अपनी फिल्म। फिरहाद हकीम होंगे कोलकाता के नए मेयर, माला रॉय होंगी चेयरपर्सन, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था से धोखा, जमीन घोटाले पर बरसी प्रियंका गांधी। नितिन गडकरी बोले गाजियाबाद से लखनऊ तक बनेगा नया एक्सप्रेसवे, 10 दिन में होगा भूमि पूजन। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट, एक साथ आए हैं 33 मामले। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 236 हुए, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस, दूसरे नंबर पर दिल्ली। अखिलेश का भाजपा पर निशाना, कहा सपा ने लगवाया दूध प्लांट, भाजपा ने शुरू करवाने में लगा दिए 5 साल। ओमिक्रॉन से तेलंगाना के गाँव में दहशत, ग्रामीणों ने लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन। कर्नाटक के चिकबलपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, बुधवार को भी 2 बार कांपी थी धरती। आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, नवाब मलिक बोले मुझे भी मिली ऐसी धमकियां। भारत ने रचा इतिहास, लगातार दूसरे दिन प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर बनाया रिकॉर्ड। धमतरी उपचुनाव में बीजेपी साफ, आमदी कुरुद और मगरलोड नगर पंचायत में कांग्रेस की जीत। केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की डिमांड की, दूसरी लहर में ऑक्सीजन पर दोनों हुए थे आमने सामने। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। कोरोना महामारी के बीच देश में 60% से अधिक लोगों को लगा कोविड-19 का टीका। आरटीआई कार्यकर्ता की अपहरण के बाद पिटाई, हाथ पैर तोड़कर पांव में ठोक दी कील। तेलंगाना में 125 साल में दूसरी बार सबसे कम तापमान रिकॉर्ड। सीएम सोरेन ने शूटर को निकाल आया की मौत की उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। बिक्रमजीत मजीठिया ने मोहाली अदालत में डाली अग्रिम जमानत की अर्जी। यूके में कोरोना की महालहर, 24 घंटे में 1 लाख से अधिक मरीज मिले। अमेरिका ने दी फाइजर की ओरल दवा पैक्सलोविड को मंजूरी। यूपी चुनाव में सीटों के बंटवारे पर सपा के साथ आरएलडी की सहमति। अमेरिका के मिनेसोटा में कार्बन मोनोऑक्साइड से 7 लोगों की मौत। स्कूलों में कोरोना का कहर, वेस्ट बंगाल में 29 और हिमाचल में 23 स्टूडेंट मिले पॉजिटिव। डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है ओमिक्रॉन, हॉस्पिटल में एडमिट होने की आशंका कम। मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे पंचायत चुनाव। दिल्ली में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर की हुई गिरफ्तारी। चुनाव परिणाम को लेकर मोहन मरकाम का बड़ा बयान, कहा चुनाव परिणाम कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुरूप आए हैं। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता और जीपी सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा फाइल। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से सुकेश के दिए गिफ्ट्स वापस लेगी ईडी। कल राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत, बात नहीं बनी तो उठा सकते हैं बड़ा कदम। ऐसे ही देश विदेश राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।